तो बच्चों, हम पीछे डिस्कस कर रहे थे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता और मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना अर्थात मानव नेत्र का कार्य बता दिया गया था। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट, दूर बिंदु और निकट बिंदु। तो नेत्र की समंजन क्षमता में हम लोग इतना डिस्कस किए थे कि अगर कोई दूर वस्तु है, क्या है, दूर वस्तु है, वस्तु कहाँ पर है, दूर है, तो उस वस्तु को देखने के लिए नेत्र के गोलक का बड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात नेत्र का गोलक बड़ा हो जाएगा। और नेत्र गोलक का बड़ा हो जाने का तात्पर्य यह है बच्चों कि उसकी वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी, और जो वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी बच्चों तो फोकस दूरी क्या होगा, कम होगा, है ना। मतलब दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना अर्थात वक्रता त्रिज्या का बड़ा हो जाना अर्थात फोकस दूरी का कम हो जाना, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है। नेत्र गोलक का बड़ा होना मतलब वक्रता त्रिज्या बढ़ना, वक्रता त्रिज्या बढ़ने का मतलब फोकस दूरी कम होना, क्लियर। तो इस स्थिति में दूर की वस्तु जो है रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर दूसरी बात यहाँ पर चर्चा किए थे कि जब कोई वस्तु निकट हो तो निकट की वस्तुओं को देखने के लिए आपको पता बच्चों कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक कैसे हो जाना, छोटी होनी चाहिए। और नेत्र गोलक छोटी होने का मतलब ये होता है कि वक्रता त्रिज्या कम होना, और नेत्र वक्रता त्रिज्या कम होने का मतलब फोकस दूरी अधिक हो, क्यों भैया, फोकस दूरी अधिक होना। तो इस प्रकार यहाँ पर परिभाषा जो बना था, परिभाषा क्या मिला कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यहाँ फोकस दूरी को परिवर्तित किया जा रहा है, कभी अधिक किया जा रहा है, कभी कम किया जा रहा है कि नहीं। इस प्रकार यहाँ पर नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको परिवर्तित करने की क्षमता क्या नाम दिया गया बच्चों, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब ये जिसी से संबंधित दूर बिंदु है और निकट बिंदु है, दूर बिंदु और निकट बिंदु, तो हेडिंग का नाम लिखो बच्चों, दूर बिंदु, दूर बिंदु, बातें मत करिए, तो चलिए भैया दूर बिंदु की बात करते हैं, ध्यान देना, नेत्र लेंस से वह अधिकतम दूरी, ध्यान देना, नेत्र लेंस से वह अधिकतम दूरी जहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बिना समंजन क्षमता के हम अस्पष्ट देख सकते हैं, क्या अस्पष्ट देख सकते हैं, बिना समंजन क्षमता के अस्पष्ट देख सकते हैं, कहां पर, अधिकतम दूरी पर स्थित एक ऐसा बिंदु जहां पर रखी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बिना समंजन क्षमता के देख सकते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं भैया, दूर बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, दूर, क्लियर, बात समझ में आया, सांस फूलने लगा यार। अब देखो निकट बिंदु, पहले समझ लो फिर लिखते हैं निकट बिंदु। अच्छा दूर बिंदु में एक बात और है यार, दूरबीन बताया गया कि अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अस्पष्ट बिना समंजन क्षमता के अस्पष्ट दिखाई देता है, अस्पष्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। और नेत्र लेंस से उस दूर बिंदु तक की दूरी को हम अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या अधिकतम दूरी भी बोलते हैं, क्या, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं, क्लियर बच्चों। अब निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, सेम परिभाषा वैसे, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर,
दूरबीन में बिना समंजन क्षमता का, लेकिन निकटबीन में अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देखा जाता है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे बच्चों, निकट बिंदु कहेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है इसमें, तो चलिए उठा लो कॉपी कलम, शुरू कर दो लिखना बच्चों। बालक समझ में आ रहा है? आज पहला दिन है आपका, बहुत बढ़िया, स्वागत है बालक आप। तो दूर बिंदु की परिभाषा लिखते हैं। दूर बिंदु, अगर हम पास आ जाएंगे बच्चों दांत बंद हो जाएगा। लिखो दूर बिंदु, नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिना समंजन क्षमता के बिना समंजन क्षमता के अस्पष्ट देख सकता है, बिना समंजन क्षमता के अस्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। क्लियर बच्चों, परिभाषा समझ में आया? नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। लाइन छोड़ के नीचे लिखना बच्चों, नेत्र लेंस से दूर बिंदु तक की दूरी को नेत्र लेंस से दूर बिंदु तक की दूरी को नेत्र लेंस से दूर बिंदु तक की दूरी को अधिकतम दूरी कहते हैं। क्लियर बालक? आगे लिखो बच्चों, स्वस्थ नेत्र के लिए, उसी में लिखना स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी या दूर बिंदु, स्वस्थ नेत्र के लिए अधिकतम दूरी या दूर बिंदु अनंत पर होता है या अनंत होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जाता है एक नंबर में बहुविकल्पी में, दूर बिंदु अनंत होता है। क्लियर बच्चों? एक फिगर बना के हम लोग अच्छे से इसको और समझ सकते हैं। बनाते बच्चों यूं, ठीक भैया, यह है नेत्र लेंस और यह है रेटिना। भैया देखना ध्यान से, अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु है, तो अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु है तो इसका मतलब सीधी सी बात बच्चों कहाँ पर होगा? अनंत पर। दूर कह रहा है, दूर बिंदु कहाँ पर होता? अनंत। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें सदैव क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं कि नहीं? बताइए बच्चों, होती है ना। अच्छा, अब ये दोनों अपवर्तित किरणें रेटिना पर जाकर मिलेंगी, जो कि अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाया आई। वस्तु कहाँ पर थी? अनंत पर थी। वस्तु अनंत पर थी। यार गड़बड़ा जा रहा है। हाँ सही है। क्लियर बच्चों?
और अनंत से चल रही प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात बच्चों क्या हुआ, रेटिना पर जाकर मिली दोनों अपवर्तित किरणें। इस प्रकार यहाँ पर दूर बिंदु जो होगा कहाँ पर होगा बच्चों, यूं 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 इनफाइनाइट, कितना होगा इनफाइनाइट मतलब अनंत, मतलब दूर बिंदु कहाँ पर होता है अनंत पर होता, किसके लिए स्वस्थ नेत्र के लिए, किसके लिए स्वस्थ नेत्र के लिए। ध्यान देना बच्चों, छाप लो बच्चों जल्दी से, आगे चलें हम लोग फिर, हो गया जल्दी थोड़ा स्पीड से बनाओ बच्चों। तो प्यारे बच्चों दूरबिंद हो गया, अब लिखो आना सॉरी निकट बिंदु, निकट बिंदु की परिभाषा लिखो बच्चों। नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित, नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, हाँ नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, अधिकतम बोल दिए थे क्या यार, निकटतम, निकटतम में और अधिकतम में ज़्यादा अंतर थोड़ी हो सकता है, नी के स्थान पे आग आ गया हो यार कोई, यार ऐसा ऐसा बात है। देखो नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जिस पर रखी, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, बालक क्यों आप नीचे बैठे हैं, कोई बात नहीं, नेत्र लेंस से दांत क्यों निकाले, एक हाथ पड़े कि दिमाग सही हो जाएगा, ये नहीं जानते कि हम लोग भी जो है बचपन में, आप लोग तो समय की नहीं बात कर रहे हैं, हाँ बैठ के नीचे पढ़ते थे बोरा ले जाके बिछा के, अब बाकी हम ले जाए कि गुरु जी पढ़ावत रहें, यहाँ सत आई दान निकाल के, चलो ठीक है लिखो ठीक है बच्चों कोई बात नहीं शांत रहिए। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे बच्चों, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं, नहीं लिख पाओगे बिट्टी, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकते हैं, उस बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। कितना आसान है, फील करो यार ये सबको, है ना, जब फील करोगे अपने आप तैयार हो जाएगा, है ना। हाँ कल्पना वाली चीज़ है फिजिक्स, मुझे फील करना चाहिए, क्लियर। आगे लिखो लाइन छोड़ के नीचे लिखोगे, नेत्र लेंस से निकट बिंदु तक की दूरी को, नेत्र लेंस से निकट बिंदु तक की दूरी को, नेत्र लेंस से निकट बिंदु तक की दूरी को, नेत्र लेंस से निकट बिंदु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्लियर बच्चों, बात समझ में आया, आगे लिखना है इसी में, स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, बहुत पूछा जाता बच्चों, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, क्लियर बच्चों।
बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, हम एक मानव नेत्र की संरचना बनाएं और यहाँ पर निकट बिंदु, निकट बिंदु पर एक वस्तु रखा गया, क्या बच्चों? ओ, बिंदुनुमा आकार का। भाई जब बिंदुनुमा आकार का वस्तु, सीधी सी बात, बिंदुनुमा आकार का प्रतिबिंब बनेगा, है ना भाई? जितना रहेगा उतना ही बनेगा। तो हम इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाए बच्चों? रेटिना। ये कितनी दूरी पर बच्चों? नेत्र लेंस से, ये नेत्र लेंस है ना, इससे कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर। इसे बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। जल्दी से फिगर बनाओ, इनको कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, 25 सेंटीमीटर, ठीक है? डी इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बस यहीं तक। बढ़िया से कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा, दूर बिंदु और निकट बिंदु, क्लियर? कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले यहाँ पर दृष्ट दोष और दृष्ट परास, क्लियर?